यथार्थ परमार्थ का साक्षात्कार उपनिषद ज्ञान से होता है। इस छोटे से अंश लिया है मैंने, महर्षि का लिखवाया हुआ लेख है, तो उसमें कह रहे हैं कि अधिकांश वेदांती देहादि रूप दृश्य से अपने दृष्टा आत्मा का विवेक तो कर लेते हैं और महावाक्य जन्य चर्मावृत्ति से आत्मा को ब्रह्म भी जान लेते हैं, परंतु अपवाद का संस्कार उनकी बुद्धि में इतना प्रबल हो जाता है कि अन्वय की दृष्टि स्फुट नहीं हो पाती। विवेक के समय व्यतिरेक की प्रधानता रहनी चाहिए, परंतु बोध के अनंतर अन्वय की दृष्टि स्वयं ही हो जाती है। ये कल जो आपने एक बहुत रहस्य को उद्घाटित किया कि जो वेदांती लोग अपवाद करके निर्गुण ब्रह्म तक ही सीमित हो जाते हैं, तो यहाँ हमको लगता है कुछ ध्वनि आ रही है। विवेक के समय व्यतिरेक की प्रधानता रहनी चाहिए, परंतु बोध के अनंतर अन्वय की दृष्टि, महर्षि तो लिख रहे हैं, स्वयं ही हो जाती है। तो हम ये इसलिए ले आए आपके पास कि अब इसका जो हमारी बुद्धि में महर्षि जो कहना चाह रहे हैं वो उसका स्पष्ट आकलन तब होगा जब विवेक के समय व्यतिरिक्त की प्रधानता रहनी चाहिए, इतना तो ठीक है, पर बोध के अनंतर ऐसा है कि बात यह है कि एक है नेति नेति, दूसरा है सर्वम खलुदम ब्रह्म, दोनों में सामंजस्य साधर है। नेति नेति न इति, इति को प्राप्त करने के लिए नौ निषेध किया गया नौ के द्वारा। जैसे दस व्यक्ति हो उसमें कोई सोमदत्त हो, सोमदत्त को कोई ढूंढने आया हो, क्या यह सोमदत्त है? ना, तो यह निश्चित है कि दस में से कोई एक है। तो नौ का निषेध करने पर जो शेष बचा वो दसवां है। तो नेति की प्रक्रिया यह है कि जितना भी अनात्मक प्रपंच है उसका निषेध होता है, क्योंकि यहाँ वल्लभाचार्य जी ने लिया, फिर विवर्तवाद से बचने के लिए धारा मोड़ दिए वेदस्तुति के श्लोक के अर्थ में। वो यह है कि जगत का लक्षण असच्चिदानंद अनित्य है, जड़ है, दुखमय, दुख रूप, दुख प्रद, तीन शब्दों का प्रयोग शंकराचार्य कहते हैं। दुख रूप बौद्धों की दृष्टि से भी है, दुख प्रद है और दुख रूप है, दुखमय है, तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब यह हुआ कि असच्चिदानंद है जो कुछ अनात्मक प्रपंच। गीता में कहा गया निर्दोषम समम ब्रह्म, तो सदोष और विषम है वही अनात्मा है। यहाँ कहेंगे सच्चिदानंद है, तो ब्रह्म का लक्षण जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद मात्रम, उसको ही बताने की भावना से जो कुछ असच्चिदानंद है सबको, सबका प्रतिषेध आवश्यक, इसी को व्यतिरेक कहते हैं। अब चूँकि जो सच्चिदानंद तत्व बचा, यहाँ पर जाकर निषेध को विराम दिया जाता है, उसको विवर्तोपादान मानते हैं, अधिष्ठानात्मक उपादान मानते हैं, तो अन्वय की दृष्टि यह होती है नायम सर्पुरा जुरियम, यह सर्प नहीं बल्कि रस्सी है, तो सर्प नहीं मैं निषेध का हो गया। अंत में नायम सर्पो रज्जुरियम अधिष्ठान की ओर कहा कि यह रस्सी है। अब अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान हो जाने पर फिर कहेंगे रज्जु सर्प है। अब इसमें क्या हुआ, रज्जु का भी बोध है, सर्प का भी बोध है, मूलतः रज्जु है वही सर्प के रूप में परिलक्षित है। इसी प्रकार से जिन सब का निषेध किया अंत में
अन्वय की रीति से दृष्टि से उन सब की ब्रह्मरूपता को सिद्ध करते, तो वही हुआ कि ब्रह्मरूपता जो अन्वय में भी व्यतिरेक लगा हुआ है, रज सर्प सर्प रूप से सत्य नहीं बल्कि रज्जु रूप से है, यही हुआ, रज्जु की ही सर्प के रूप में प्रतीति, ऐसे निषेध करने के बाद जिसको ब्रह्म के रूप में समझा उसी का विवर्त होने से जगत वास्तव में यह भी ब्रह्म रूप ही है। ये अन्वय व्यतिरेक की बात हो गई, केवल व्यतिरेक से काम नहीं चलेगा, केवल व्यतिरेक कहाँ चलेगा, व्यतिरेक चलेगा सांख्यों के यहाँ, क्यों चलेगा, कि उनके यहाँ कोई ऐसा तत्व नहीं है जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो, प्रकृति की सर्वरूपता का अर्थ है महत्त्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत, लेकिन पुरुष बच जाएगा, पुरुष को सर्वरूप कह ही नहीं सकते हैं, तो असंग क्योंकि प्रकृति का साम्राज्य अधिक है, पुरुष को तो यही कहेंगे ना कि उनके यहाँ पुरुष में प्रभेद है, देह के भेद से जीव में भेद होता है, इतने जीव हैं उनको लेकर कह सकते हैं ये सब पुरुष, बहुवचन का प्रयोग करके ये सब पुरुष है, लेकिन पुरुष की प्रकृति रूपता और प्रपंच रूपता सिद्ध है, प्रकृति की पुरुषातिरिक्त सर्वरूपता सिद्ध है, पुरुष रूपता सिद्ध है, तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य उनके यहाँ कोई तत्व नहीं। हमारे यहाँ अनात्म वस्तुओं का निषेध करने के बाद जो शेष रहता है वो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है, इसीलिए सर्वाधिष्ठान सर्वरूप सर्वात्मा है, तो सर्वम खलुदम ब्रह्म, तरंग बुद्बुद फैन का निषेध करके जल की प्राप्ति की, लेकिन अंत में जब जल तरंग कहेंगे तो जल तरंग कहने में विधि निषेध दोनों अनुगत है या नहीं, एक प्रकार से दोनों अमृत घट सुवर्णाभूषण दोनों, तो अधिष्ठान का भी बोध है और व्यवहार की दृष्टि से भी उपयोग हो गया, जब हम कहेंगे मृद घट तो घट मिट्टी नहीं है, घट ही मिट्टी नहीं है, यहाँ वो जो एक है तो उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे शोधन करना पड़ता है, हरिदेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इतिहास मति परमार्थ गति स नरो भवसागर मुत्तरति, कभी याद किया होगा आज 40-45 साल बाद मुझसे निकल रहा है, हरिदेव जगत ये तो ठीक है, जगदेव हरि नहीं ठीक है, एवकार जो है अप्यर्थक अपिकर्थ, जगत भी ब्रह्म है, घट भी मिट्टी है, मिट्टी ही घट है, हरिदेव जगत तो ठीक है भगवान अधिष्ठान, हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरिदेव हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु, जगत और हरि में कोई इति यस्य मति परमार्थ गति स नरो भवसागर मुत्तरति मुद्धरति, वह नगर भवसा वह व्यक्ति नर भवसागर को तर जाता है, तो इनका महाराज का यह कहना है कि केवल निषेध करेंगे तो सर्वात्म भाव संपन्न और सर्वाधिष्ठान मानो कोई तत्व बचा ही नहीं, इसलिए निषेध की प्रक्रिया जो होती है ये वो किस दृष्टि से होती है इस पर विचार करना होगा, जिसकी अनुगति है जिनमें, जैसे गीता में कहा मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मया तो इसमें अनुगति हो गए ना, जगत अव्यक्त मूर्ति मुझे परमात्मा के द्वारा यह जगत व्याप्त है, और न च मत्स्थानि भूतानि न च अहम ते स्ववस्थिता, इन सब दृष्टि से और सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, तो जिन सब का निषेध किया उनकी अंत में आत्मरूपता का प्रतिपादन भी अभीष्ट है, अन्वय दृष्टि हो गई, ये व्यतिरेक दृष्टि हो गई, तो उनके यहाँ केवल व्यतिरेक चलेगा, सांख्य में देह आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, अंतःकरण आत्मा नहीं है, प्राण आत्मा नहीं है, अब ये नहीं कह सकते कि आत्मा ही देह है, आत्मा ही इंद्रिय है, आत्मा ही प्राण है, आत्मा ही अंतःकरण है, नारायण, इसमें यह होगा कि निषेध का विषय अध्यस्त है अपने यहाँ क्या जी, घट पट नहीं पट घट नहीं, अब दोनों का निषेध हो गया, एक का एक में दूसरे का,
और घट के अतिरिक्त या भी घट नहीं, या भी घट नहीं, या भी घट नहीं, या भी घट नहीं, या घट है कह दें तो यही घट ये सब है नहीं कह सकते नहीं। तो वेदांत में क्या है, अध्यस्त का निषेध है, या यूँ कहें कि उपादेय का निषेध है, उपादान जो अनुगत है उसकी सिद्धि के लिए। तो जब वो सांख्यों की, महाराज के कहने का भाव यह है कि सांख्यों की दृष्टि से व्यतिरेक हम कर देते हैं वेदांत की अपूर्वता को न समझकर, अन्वित पदार्थ की ही फिर सर्वरूपता सिद्ध नहीं कर पाते, यह तब इस स्पष्ट। हाँ हाँ, अब वो वेदांत की दृष्टि से ही अगर निषेध करे उस समय संस्कार डाल दिया जाए जिसका निषेध कर रहे हैं वो अध्यस्त है, उपादेय है, ठीक, तब ठीक होगा। तब वो अभी वो जो महाराज के दोनों वचन हैं उसमें एक सांख्य की ओर ले जाएगी। हाँ। तो आधुनिक वेदांती जो है मन बहुत से वेदांती व्यतिरेक कर देंगे और सांख्य की विधा से मानो व्यतिरेक कर देंगे, व्यतिरेक कर देंगे, लेकिन अन्वय का पक्ष उनका नहीं बनता। और वेदांत की प्रक्रिया से निषेध करने पर वो स्वतः यूँ लग जाए, ये हो जाएगा क्या, अन्वय की दृष्टि स्फुट नहीं हो पाती, पर अगर वो वेदांत की दृष्टि से करेंगे तो अनेक दृष्टि स्वयं ही हो जाए। हाँ, वो दोनों में इतना जब समझाएंगे तब बात लगे, उसमें गलत नहीं है। हाँ। लेकिन एक सांख की दृष्टि से व्यतिरेक है और अगर वेदांत की पद्धति से व्यतिरेक हो तो अन्वय पृथक से नहीं, अन्वय की दृष्टि स्वतः हो जाती है।